हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हैं मनचाओ ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ मेरी कुछ आपकी बात करते हैं। तो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अपने पापा के लिए। आज फादर्स डे है और मैं मेरे पापा के रिलेटेड कुछ बातें शेयर करूँगा आपसे। लाइक उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए लाइफ में हमारे लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जो उन्हें भी अच्छा लगे। और मैं बेसिकली, मेरे पापा ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो वो चीज़ मैं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं, राइट। तो मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात होगी उनके बारे में शेयर करते हुए। तो मैं बात करूंगा कि मुझे जितनी स्टोरी पता है उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो मेरे पापा जब छोटे थे, ठीक है, तो दादाजी काफ़ी कहानियाँ सुनाते हैं कि कैसे हम वो लोग रहते थे एंड वो सबसे लाडले थे अपने पेरेंट्स के। फिर भी मेरे दादाजी फार्मर थे तो सब लोग खेतों में काम करते थे एंड ऑल, तो उन्हें कोई काम करने नहीं देता था, बट वो फिर भी जाके मेहनत करते थे एंड वो सब चीज़ें किया करते थे, राइट। वो खेतों में से सब्जी तोड़ के और अकेले जाके बेच के भी आ जाते थे, कम ज़्यादा भाव में बेच के आ जाते थे ताकि फैमिली चल सके। हमारे घर पे क्या था ना कि मेरे पापा थे, दो भाई और उनकी पांच बहनें, टोटल 7 लोग एंड बाकी फैमिली अलग, दादाजी, उनकी वाइफ, मेरी दादी और उनके जो छोटे भाई हैं वो, उनकी फैमिली, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब मेरे पापा डिग्री ले रहे थे, जब 12th के बाद, तो उसमें हुआ क्या कि फैमिली कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो लगी बिकॉज खाने पीने के मामले आने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि वो भरूच में घूमने आए, ठीक है। भरूच गुजरात में एक सिटी है, सिचुएटेड है एंड वो सूरत और वडोदरा के पास में। तो वहाँ पे घूमने के लिए आए और बेसिकली उनका इंटेंशन ये था कि कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए जिससे फैमिली चल सके, क्योंकि वो सबसे एल्डेस्ट थे उनके फैमिली में। तो उन्होंने भरूच में घूमने आए, देन वहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे एक जॉब टाइप स्टार्ट की कंस्ट्रक्शन में। एंड हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि मेरे पिताजी ने BSc इन एग्रीकल्चर किया हुआ था, ठीक है, बिकॉज वो एक फार्मर बैकग्राउंड से थे। तो जनरली वही करते हैं ना कि फैमिली बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते। तो उन्होंने BSc इन एग्रीकल्चर किया, बट लैंड उतनी सफिशिएंट थी नहीं कि इतना प्रोडक्शन करवा सके कि पूरी फैमिली चल सके। तो वो आए गुजरात, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया सुपरवाइजर का जो जॉब होता है वो, और वो भी एक कंस्ट्रक्शन साइट में, एक रिलेटिव थे उनके। तो उन्होंने ज्वाइन किया धीरे धीरे। अब यू नो राइट कि कोई अगर पर्सन एबल है, वो मेहनती है, तो ऑफकोर्स वो कुछ भी, उसको काम मिल जाए वो कुछ ना कुछ करके कर ही लेगा, अपने लिए आगे एक पाथ बना लेगा आगे बढ़ने के लिए। तो सेम उनके साथ भी यही हुआ, उन्होंने कुछ साल जॉब किए एंड धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन कर लिया। उसके बाद मेरे पापा की शादी हुई एंड शादी हुई तो ऑफकोर्स शादी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, ऑफकोर्स फैमिली में एक नया मेम्बर ऐड हो गया, मेरी मॉम, राइट। तो क्या हुआ कि उनको लगा कि जो वो जॉब कर रहे हैं उनसे, जो जॉब से जो अर्निंग हो रही है उससे वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि फैमिली चल सके, राइट। उन्होंने सोचा एक बिजनेस स्टार्ट करने की आवश्यकता। सोचो जीरो से लेके हीरो की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि उन्होंने जॉब क्विट किया और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया थोड़ा बहुत। एंड ये भी नहीं कि जिस सिटी में रहते थे वहाँ पे, वहाँ से एक घंटे की दूरी पे दूर सूरत में और एल्स आई डोंट नो बहुत सारी जगह है जो मुझे भी नहीं पता है, वो उन्होंने जो स्टोरीज में अपने बताते हैं वो मुझे पता है। तो ऐसी ऐसी दूर दूर जगह पे मेहनत करके दौड़ भाग के उन्होंने जॉब को एक्सटेंड किया, बिजनेस किया एंड धीरे धीरे करके उन्होंने अपना पहला घर लिया यहाँ पे, ठीक है, पहला घर लिया। उसके बाद वो सब चीज़ें थी एंड उसके पहले काफ़ी हम लोग रेंट पे भी रहते थे 6x6 के कमरे में, देन धीरे धीरे बड़ी हुई। ऑफकोर्स ग्रोथ जीरो से लेके ऊपर बढ़ता है ना, तो ऐसे पहले छोटे रूम में रहते थे, फिर थोड़ा और बड़े हुए। मुझे तो याद भी नहीं है क्योंकि मैं आई डोंट नो मैं था नहीं या छोटा था, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुआ, काफ़ी अच्छे से सब चीज़ें पढ़ने लगी, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा बॉर्न हुआ,
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ने लगी। लाइक मैं बताना चाहूँ तो जितना उन्होंने स्ट्रगल किया ना वो बहुत बहुत ज़्यादा है। लाइक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते आजकल के जनरेशन तो, बिकॉज आजकल सारी फैसिलिटीज हमें मिल जा रही है आसानी से बिकॉज उन्होंने प्रोवाइड करी हमको। तो लाइक वी आर वेरी थैंकफुल लाइक कि आई गॉट अ फादर। लेकिन दूसरी बात यह है कि मुझे याद है कि लाइक बचपन में जब मैं पढ़ाई करता था, ठीक है, तो मुझे याद है कि मैं पेंसिल्स होते थे ना वो नटराज की पेंसिल ना खरीद के अप्सरा डार्क वाली जो बेस्ट पेंसिल आती थी वो अप्सरा डार्क खरीद के लाते थे, और हर रोज़ मैं एक या दो पेंसिल ऐसे घिस घिस के मज़ा आता था ऐसे शार्प करने में। मैं तब ये नहीं सोचा ना कितनी मेहनत से आई, मैं शार्प कर करके उसके बाद पेंसिल ख़त्म कर देता था। फिर भी वो रोज़ पेरेंट्स बोलती थी पेंसिल खाते हो क्या, क्या करते हो, ख़त्म कर देता। सेम चीज़ कलर्स के साथ थी। स्कूल में ड्राइंग का लेक्चर हुआ करता था एंड कलर्स एक दिन ले जाओ स्कूल में, दूसरे दिन कलर्स का है, मैं खाता हूँ कलर्स, मैं फेंक देता हूँ, मैं क्या करता हूँ मुझे नहीं पता, बट मैं हमेशा पापा को हर दो दिन पे फोन करता था, पापा मेरे को कलर की आवश्यकता है कलर लेके। एक भी दिन ऐसा नहीं है उन्होंने बोला होगा कि नहीं कलर नहीं मिलेगा, उन्हें पता था बच्चे हैं परेशान करते हैं, वो अच्छे से पेश आते थे, वो कलर्स लेके भी आते थे, कभी छोटा पैकेट कभी बड़ा पैकेट, बट लेके जरूर आते। लिटरली यार ये चीज़ हमारे दिल को काफ़ी छूती है, हम शुक्रगुजार। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो उन्होंने हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है, अपनी सेक्रीफाइस करके, उन्हें कोई चीज़ चाहिए वो ना लेकर के वो हमें देते हैं। आज भी अगर मैं बात करूँ कि सपोज हम खाना खाने बैठे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि दो थाली अलग 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 होती है, सब इंडिविजुअल खाते हैं और बीच में रोटी रखी रहती है। अब खाते खाते सब लोग एक एक रोटी खा रहे हैं और लास्ट में एक रोटी बच गई, अब कौन लेगा, राइट? उन्हें भूख होती है फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम ले लो, अभी तो मैंगो का सीजन आ रहा है। लाइक ये काफ़ी छोटी बात है, बट छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बात। हम मैंगो के स्लाइसेस करके खाते हैं, अब मैंगो का जो लास्ट स्लाइस बचता है वो कौन खाएगा? अगर मैं मेरे पापा के साथ खा रहा हूँ तो वो बोलते हैं कि ये तुम खा लो, मुझे नहीं खाना, जबकि उन्हें मैंगो इतना पसंद है, मुझसे भी ज़्यादा उनको मैंगो पसंद है, ठीक है, बताओ। ये है सेक्रीफाइस, छोटी बात है बट यू नो दैट हैज़ एन वेरी मीनिंगफुल स्टैंड, यू नो। तो ये चीज़ है, ये स्ट्रगल है, ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया है मैंने। तो मैं बोलना चाहूँगा कि वी रियली लव यू पापा, एंड आपकी सेक्रीफाइस को हम हमेशा याद रखेंगे एंड हमेशा थैंकफुल रहेंगे। एंड आई नो हम इस चीज़ को कभी चुका नहीं सकते, बट ऑफ कोर्स हम आपको फील करा सकते हैं कि यू आर वेरी ग्रेट। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी फादर्स डे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी मेरे पापा की कहानी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड करनी है, मैं किसी और वीडियो में ऐड करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। तो मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में। मेरा नाम है मनोज, आप देख रहे थे मनचाओ ब्लॉग्स। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, कुछ मेरी कुछ आप बात करेंगे। थैंक यू, पीस आउट।